दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक व्यापारी की उसी के दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों से पता चला है कि आपसी रंजिश और अवैध संबंधों के शक के चलते दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौरी गेट के फतेहपुरी चौक पर स्थित ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक एक लड़का एक लड़की के साथ यहां आया। कुछ देर बाद दो तीन लोग और आए, उनमें कहा सुनी हुई और उसके बाद जो पहले यहां लड़की के साथ आया था उसने बाद में आए शख्स को गोली मार दी। भैया कस्टमर थे दो, एक लड़का एक लड़की, वो यहाँ पर नाश्ता पानी कर रहे थे। पीछे से दो तीन जने और आए, उनके को जानकार होंगे, उसमें तू तू मैं हो गई, एक ने दूसरे के ऊपर गोली चलाई। ये तो हम नहीं जानते कौन थे भाई, तो जो लड़की के साथ आया था उसने चलाई है, दूसरे जो आए थे उनको। जिसको गोली लगी उसका नाम याहिया था। गोली मारने वाला उसका दोस्त उदय था, उसके साथ याहिया की पत्नी थी। गोली मारते ही उदय मौके से फरार हो गया। पुलिस पहुंची और याहिया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लोकनायक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। याहिया का साला आफ्ताब भी उस समय रेस्टोरेंट में साथ था। इसके मुताबिक पहले उदय से उसी का झगड़ा हुआ, फिर याहिया भी अंदर पहुंचा, कहा सुनी हुई और उदय ने गोली चला दी। याहिया को तीन गोलियां लगी। आपको हम मुझे जानकारी ये मिली कि उनके किसी ने गोली मार दी है और एलएनजे के हॉस्पिटल के अंदर। क्या नाम पूरा नाम है कौन जिसने गोली मारी? क्या दुश्मनी क्या थी इनकी? क्यों कहा सुनी हुई होगी पहले कभी? उसकी बीवी को छेड़ा था याहिया की पहले। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी उदय ने याहिया को फतेहपुरी चौक पर एक मिठाई की दुकान पर बुलाया, जहां याहिया की पत्नी भी मौजूद थी। याहिया को पहले से शक था कि उसकी पत्नी के उदय से संबंध है। इसी को लेकर कहा सुनी के दौरान ही विवाद में आरोपी ने याहिया खान को गोली मार दी। मौके से फरार हुए आरोपी उदय को कमला मार्केट थाने की पुलिस ने पिकेट पर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सेंट्रल दिल्ली के DCP ने दी। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।